हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया गया। तो कहाँ पे जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, उसमें google.com ओपन करना, उसमें टाइप करना RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 IS पेपर। IS पेपर एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिसपे आपको RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IS पेपर.net RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022, इसी लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपका RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन 25 फरवरी 2022 फॉर वेरियस कोर्सेज। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 25 फरवरी से स्टार्ट हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्म फिल कर लेना है, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हैज इज क्वालिफिकेशन, गेट फ्री काउंसिल पर क्लिक करना है। इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू RNB से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ हो चुका है। उससे पहले आपको लिए एक गुड न्यूज़ है, वो आपको बता देते हैं। क्या गुड न्यूज़ है, आपका इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं UPES, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी एंड DIT यूनिवर्सिटी, इन 6 इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी में आपके लिए फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। तो आप यहाँ पर जाके ज़रूर एडमिशन लीजिए। आपको यहाँ पर रीज़न मिल जाते हैं 5 यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। आपको यहाँ पर 100% प्लेसमेंट मिलने वाली है, क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाला है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलने वाला है एंड प्रैक्टिकल लर्निंग एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला है। तो आपको इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। सपोर्ट रेट, आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं अपने आसपास में, कहीं भी एडमिशन लेते हैं अपने, तो क्या होगा वहाँ पर आपके कॉलेज में, आपके कॉलेज के आसपास के बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आएंगे, आपके स्टेट के बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। क्या अलग स्टेट से भी बच्चे आएंगे? नहीं आएंगे, लेकिन ये इंडिया का टॉप 6 यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट से ही नहीं इंडिया के बल्कि अलग अलग कंट्री के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो आप उनके साथ रहेंगे, उनके से बातें करेंगे, उसे उनके साथ खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो क्या होगा, आपका कल्चर एक्सचेंज होगा, माइंड एक्सचेंज होगा, नॉलेज एक्सचेंज होगा एंड टैलेंट एक्सचेंज होगा। तो आपको इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। अगर मैं आपके जगह पे होती तो ज़रूर एडमिशन लेती। आपको क्या करना है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर देना है। तो यहाँ पे आपका RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन 25 फरवरी 2022 फॉर वेरियस कोर्सेज, क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स। तो आपको एप्लीकेशन डिटेल्स जानने के लिए यहाँ पे क्लिक कर लेना है, क्लिक हियर टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके यहाँ पे RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आ चुका है। यहाँ पे रजिस्टर टू अप्लाई, आपको क्या करना है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम अपना पूरा लिखना है, आपको जो भी नाम हो, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर आपका क्या है वो, ईमेल आईडी, और यहाँ पे आपको प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेना किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उस करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर कर लेना है। तो आपका रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आ चुका है, न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दे दिया गया है, यूज़र नेम, और यहाँ पे आपको पासवर्ड दे दिया गया है, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है आपको यहाँ पे। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स देने, अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपको अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो, उसके बाद लैंडलाइन नंबर आपके पास है तो वो दे सकते हैं, नेशनलिटी आपकी क्या है वो आपको यहाँ पे बता देनी है, यहाँ पे स्टेट आपको बता देना है कौन से स्टेट में आप रहते हैं वो, उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल जो भी है आपको यहाँ पे बता देना है, फिजिकल डिसेबल्ड, आपका फिजिकल डिसेबल्ड है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो पे सिंपली क्लिक करके आपको कैटेगरी बता देनी है, जनरल OBC SC OBC जो भी हो वो आपको बता देना है। यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड कर लेना है, सो उस फाइल पे क्लिक करके आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। यहाँ पे गार्जियन डिटेल, मदर का नाम, फादर नेम, मदर मोबाइल नंबर, यहाँ पे फादर का मोबाइल नंबर, मदर ईमेल आईडी, फादर ईमेल आईडी, मदर ऑक्यूपेशन एंड फादर ऑक्यूपेशन, यहाँ पे अदर गार्जियन डिटेल्स देने हैं आपको, यहाँ पे गार्जियंस का नाम,
यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, रिलेशनशिप आपसे उनसे क्या है, और यहाँ पे आपको उनका गार्जियन का ऑक्यूपेशन, और यहाँ पे आपको पर्सनल एड्रेस देने, यहाँ पे आपको एड्रेस बता देना है, कंट्री कौन सी है वो कंट्री आपको यहाँ पे बता देनी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड यहाँ पे सब कुछ फिल कर देना है। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस, आपके पास एक दो एड्रेस हो तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो भी हो वो आपको फिल कर देने हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लास 10 का डिटेल्स देना है। यहाँ पे आपको क्लास 10 का स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम क्या था, ईयर आप पास, किस ईयर में आपने पास किया था वो आपको यहाँ पे बता देना है। सब्जेक्ट कौन सा था वो आपको यहाँ पे बता देना है। सब्जेक्ट के बाद मीडियम एजुकेशन क्या थी, हिंदी इंग्लिश जो भी थे वो आपको बता देना है। रिजल्ट क्या है, अवॉर्डेड है या फिर डिक्लेयर्ड हो चुका है, तो अगर आपने अवॉर्डेड, अगर आपका अवॉर्डेड है तो आप अवॉर्डेड पर क्लिक करके आपको यहाँ पे, अगर डिक्लेयर्ड है तो डिक्लेयर आप करके यहाँ पे आपको अपना परसेंटेज बता देना है, कितने परसेंट आपके थे वो आपको यहाँ पे बता देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्वेल्थ का डिटेल्स ऐसे देना है, स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम क्या था, उसके ईयर में आपने पास किया वो बता देना है, सब्जेक्ट कौन सा था, स्ट्रीम क्या सी वो आपको बता देना है, यहाँ पर मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या था, रिजल्ट अवॉर्डेड है या फिर डिक्लेयर्ड हो चुका है, ऐसे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का बताना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपने कोई दिया है तो उसके बारे में आपको बता देना है, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, स्कोर कितना मिला था, परसेंटाइल या फिर रैंक कितनी थी वो आपको यहाँ पे बता देनी है। अदर डिटेल्स में आपको देना चाहते थे यहाँ पर दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोग्राम डिटेल्स बताने हैं। प्रोग्राम डिटेल्स में कोर्स क्या है, और यहाँ पे आपको प्रोग्राम इंफॉर्मेशन में चूज़, फर्स्ट में चूज़ कर लेना है, उसके बाद प्रोग्राम कोड ये है आपका, और यहाँ पे अगर आप सेकंड चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ पे थैंक यू, अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन यहाँ पे टिक कर लेना, अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन पे टिक करके आपको अपना पेमेंट कर लेना है। कितना पेमेंट करना है, 1,100 रुपीज़ टोटल पे कर लेने हैं आपको। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।